अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान है, इत्राम वाला है। मैं हूँ आपकी शेफ किरण। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम बनाएंगे चने की दाल के पकौड़े। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है, ये साबुत है, पाउडर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 कप मैंने यहाँ पर अनियन लिया है जिनको मैंने बारीक चॉप कर दिया, और हरा धनिया लिया है इसको भी मैंने बारीक काट लिया, और यहाँ पर मैंने 1/2 किलो दाल लेकर चने की उसको 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, दाल को मैंने यहाँ पर दरदरा सा पीस लिया, ये देख सकते हैं आप। मैंने दाल को यहाँ पर ब्लेंडर के जग में पीसा है। आप चाहें तो आप कुंडी डंडे में भी इसको पीसना चाहें तो उसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन आपने इसको इतना ही दरदरा सा रखना है, इसका बिल्कुल आपने लिक्विड नहीं बना देना। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं प्याज डाल दूँगी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, हरा धनिया डाल देंगे तो मैंने बारीक काट लिया था, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, और यहाँ पे मेरे पास है साबुत सूखा धनिया, इसको अपने इस तरह से हाथ पे डाल के दोनों हाथों से मसल के इसको 2 हिस्सों में कर देना, ये देखिए इस पर डाल देना। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं इसमें डाल रही। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें से 1/2 बैटर निकाल लूँगी। आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने 1/2 बैटर क्यों निकाल दिया, तो हम 1/2 बैटर का हम बनाएंगे चने की दाल के पकौड़े, और 1/2 का हम बनाएंगे दाल वड़ा। दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च, उसको बारीक काट लिया था, और ये दाल हमने भिगोई हुई थी उसी में से मैंने 3 टेबल स्पून दाल निकाल ली थी, ये डाल दूँगी। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी, आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला है, गाढ़ा नहीं हो रहा, तो आप इसमें और भी कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हो गया मिक्स, और ये देखिए कितना थिक हो गया, ये देखें बिल्कुल थिक हो गया। तब हम इसको कर लेंगे फ्राई। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े डाल दिए। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो रखा है, अगर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो उससे पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और पकौड़े डालने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक आपको ये लगे कि एक साइड से कुक नहीं हुए अच्छे से, आप इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना ये सारे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरे ऑयल में ना। यहाँ पर हमारे पकौड़े 1/2 कुक हो गया। अब हम इसमें 1 दफ़ा चम्मच हिला देंगे ताकि इनकी साइड चेंज हो जाए, और 2 मिनट के लिए यहाँ से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर पकौड़े हमारे तैयार हैं, हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए, माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इन पर। अब हम ऑयल में 12 पकौड़े डाल देंगे। यहाँ पर मैं इनको टिक्की का शेप दूँगी, ये देखें थोड़ा सा बैटर अपने हाथ में लेकर इसको इस तरह से टिक्की बना लेनी है, हाथ पर खिलाते जाना है, और अब इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इस तरीके से मैं बाकी पकौड़े भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े डाल दिए। पकौड़े डालते हुए आप ये एहतियात ज़रूर किया करेंगे, पकौड़े को थोड़ा ऊपर से रख के डाला करनी, वरना ऐसे आपका हाथ भी जल सकता है। देखिए पकौड़े हमारे एक साइड से कुक हो गए, और उनको हिला कर दूसरी साइड से पका लेंगे, और आप इनको 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हा मैंने मीडियम टू लो रखा है। यहाँ पर हमारे पकौड़े तैयार हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम पकौड़ों को निकाल लिए हैं, पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, और अब हम दाल वड़ा फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए हमारा दाल वड़ा, आप हम इनको कर लेंगे फ्राई। इस तरह से वन बाय वन सारे डालते जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आपने इनको थोड़ा ऊपर से रख के डाला है ना, ऑयल की छींटे आप पे गिरेंगे और आपका हाथ जल जाएगा। और स्टार्ट पे आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इनको पकने देना वरना ये टूट के बिखर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% कुक हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक निकाल के दिखा दूँ, तो ये देखें इस तरह से। आपको अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इनको 3 मंथ के लिए ऐसे हाफ फ्राई करके तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको फुल फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे वड़े फ्राई हो गए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए दाल वड़ा हमारा रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चने की दाल के पकौड़े और दाल वड़ा तैयार है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।